दोस्तों, आर्यन खान केस में मुंबई के क्रूज केस में बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि अब नया विवाद इसमें जुड़ता हुआ दिख रहा है। हालत यह है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी इसमें फंसती हुई दिख रही हैं। पूजा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सिर्फ 5 दिन बचे हैं और 5 दिन बाद बड़ा एक्शन हो सकता है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। खबरें तो यहाँ तक हैं दोस्तों कि या तो गिरफ्तारी होगी या फिर केस ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, कैसे फंस गई पूजा ददलानी और नए साल में अब क्या होने वाला है आगे, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो आर्यन खान केस में कई दिनों तक मचे हंगामे के बाद बवाल तब बढ़ गया था जब केपी गोसावी और उसके साथियों पर कई तरह के आरोप लगे थे। आरोप तो यहाँ तक हैं कि समीर वानखेड़े तक को इसमें घसीट लिया गया और कहा गया कि शाहरुख खान से ये लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे और पैसा देने की एवज में आर्यन खान को छोड़ने की डील कर रहे थे, जैसे आरोप लगाए गए। आनंद फानन में इस केस की जांच मुंबई पुलिस को सौंप दी गई, क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल तब हो गया जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने इस मामले पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें जांच शुरू की गई, कई लोगों से पूछताछ हुई और सीधे सीधे निशाने पर कोई और नहीं बल्कि मुंबई जोनल एनसीबी हेड समीर वानखेड़े थे। इसी केस में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी समन भेजा गया और एक नहीं बल्कि दो दो बार पूजा ददलानी को समन भेजा गया, क्योंकि आरोप यही था कि पूजा ददलानी ही अपने नीले रंग की कार में पैसे की पहली किश्त देने भी गई थी और आरोप था कि पूजा ददलानी ही शाहरुख खान की तरफ से इस पूरे मामले में डील कर रही थी। अब पूजा ददलानी मुंबई पुलिस के पहले समन पर नहीं पहुंची, उसके बाद पूजा को दोबारा बुलाया गया तो दोबारा भी पूजा नहीं पहुंची और दलील दी गई कि अभी पूजा ददलानी नहीं आ सकती। लेकिन अब इसी मामले में बड़ा फैसला या कहें कि बड़ा एक्शन होने वाला है, बड़ा दिन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर यही है कि पूजा ददलानी को फिर से मुंबई पुलिस ने बुलाया है और इसके लिए सिर्फ 5 दिन दिए हैं, यानी कि 31 दिसंबर तक की तारीख पूजा ददलानी को दी गई है और इस बार पूजा को आना ही आना है, क्योंकि अगर इस बार पूजा ददलानी नहीं आई तो फिर होगा एक्शन। मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक इस बार नए साल में यानी कि 1 जनवरी के बाद इस केस में एक नहीं बल्कि दो दो सिनेरियो बन रहे हैं और दोनों ही संभव हैं। दोनों सिनेरियो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहला सिनेरियो ये है दोस्तों कि अगर पूजा ददलानी इस बार भी मुंबई पुलिस के SIT के सामने नहीं आती हैं, तो फिर पूजा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है जिसमें सीधे ही पूजा ददलानी को गिरफ्तार किया जाएगा और ये सब कुछ नए साल में यानी कि 1 जनवरी के बाद हो सकता है। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, दूसरा सिनेरियो ये है कि पूरा केस ही बंद हो जाए। जी हाँ, ये भी खबरें हैं, ये भी बातचीत चल रही है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच कर रही SIT पूरे मामले को ही बंद करने पर विचार कर रही है। अगर पूजा ददलानी नहीं आती हैं, तो फिर 1 जनवरी को या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में इस पूरे केस को ही बंद करने का ऐलान किया जा सकता है। SIT अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई भी फॉर्मल शिकायत ही नहीं दी गई है और अब तक की जाँच सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस ने अपने सोमोटो के आधार पर की है और अब तक की जांच में पैसे के लेन देन या फिर ऐसी डील जैसा कुछ भी नहीं मिला है। ना तो इस केस में अब तक पूजा ददलानी ने अपना बयान दर्ज कराया है और ना ही मुंबई पुलिस को कोई भी गड़बड़ी या फिर कोई भी पैसे का लेन देन डील जैसा कुछ मिला है। यानी कि एक तरह से मुंबई पुलिस का साफ साफ मानना है, साफ साफ कहना है कि पैसे मांगने या फिर आर्यन की रिहाई के बदले रंगदारी लेने, पैसे की डिमांड करने जैसा कुछ था ही नहीं। अब वो सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक का आजमाया हुआ पैंतरा हो सकता है जिसमें कुछ लोगों से पूछताछ हुई। पूजा ददलानी शुरुआत में अंडरग्राउंड तक हुई। अब इस पूरे मामले में दूसरे वाले सिनेरियो के चांसेस जरूर ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये भी जरूर है कि नए साल में कुछ न कुछ तो होना है जिसमें पूजा ददलानी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों? अगर पैसे मांगने जैसा कुछ था ही नहीं, तो फिर क्या सिर्फ समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए, समीर वानखेड़े को कम करने के लिए, समीर वानखेड़े की ताकत को कम करने के लिए, समीर वानखेड़े को मुंबई में काम नहीं करने देने के लिए सब कुछ रचा गया?
या फिर पूजा ददलानी के सामने नहीं आने पर सच भी सामने नहीं आ पा रहा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शाहरुख के बेटे आर्यन को जब से जमानत मिली है तब से ही बॉलीवुड में शाहरुख खान के परिवार में लोग खासे खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि आर्यन को अब कुछ नहीं होगा, मगर ये भ्रम सिर्फ एक हफ्ते में ही दूर हो गया। जी हाँ, सिर्फ एक हफ्ते में आर्यन खान पर फिर से तलवार लटकने लगी। सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा अपडेट बताते हैं। तो पहले तो रविवार यानी कि 7 नवंबर को एनसीबी की नई टीम के हेड संजय सिंह ने आर्यन खान को पूछताछ के लिए बुला लिया। शाम 6 बजे तक आर्यन को एनसीबी ऑफिस में पहुंचना था, मगर आर्यन पहुंचा नहीं और कहा गया कि आर्यन को बुखार है। हालांकि आर्यन के नहीं आने की वजह कुछ और ही थी, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताई भी और पूरा खुलासा भी किया था कि आखिर मन्नत के अंदर हुआ क्या था, आर्यन की हालत कैसी हो गई थी और पूजा ददलानी ने कैसे आर्यन खान को राहत दिलवाई थी। मगर अब तो खुद वही पूजा ददलानी फंसती हुई दिख रही हैं। हालात तो ये हैं कि पूजा के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन दिख रही है। आर्यन खान के साथ पूजा ददलानी को भी नया समन जारी किया गया है। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। आर्यन खान को 2 जगहों से बुलावा आया है। पहला बुलावा एनसीबी केस में नए जांच अधिकारी संजय सिंह की तरफ से आया है और संजय सिंह आर्यन खान से पूछताछ करेंगे एक्सचेंज बिल्डिंग में। तो वहीं दूसरा बुलावा एनसीबी विजिलेंस जांच के हेड ज्ञानेश्वर की तरफ से आया है, जो कि सीआरपी कैंप में बैठे हैं और वहीं पर पूछताछ भी कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर की तरफ से पूजा ददलानी को भी बुलाया गया है। जी हाँ, किरण गोसावी की तरफ से 25 करोड़ की डिमांड की जाने के मामले में लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं और इस पर अब ज्ञानेश्वर ने पूजा ददलानी को बुला लिया है। पूजा का दोनों ही तरफ से फंसना तय है। जी हाँ, पूजा ददलानी दोनों तरफ से फंस गई हैं। अब अगर पूजा ददलानी ये मान लेती हैं कि उन्होंने या फिर उनकी टीम की तरफ से किरण गोसावी को 50 लाख रुपए दिए गए और बाकी के करोड़ों रुपए देने की डील भी हुई थी, तो पूजा ददलानी पर गवाहों को खरीदने या फिर केस को प्रभावित करने का चार्ज लग सकता है और तब की कंडीशन में तुरंत ही मौके पर ही पूजा ददलानी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अगर पूजा ददलानी पर जांच को प्रभावित करने और खरीदने का चार्ज लगता है तो देरी नहीं होगी गिरफ्तारी में। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पूजा ददलानी पैसे देने से या फिर किरण गोसावी के साथ किसी भी तरह की डील से इनकार करती हैं, तो फिर पूजा ददलानी यहाँ पर भी फंस जाएंगी, क्योंकि तब की कंडीशन में आर्यन खान का केस बेहद कमजोर हो जाएगा, यानी कि तब आर्यन को फिर से जेल जाने की नौबत आ सकती है। आर्यन की सजा भी लंबी हो सकती है अगर दोष साबित होता है तो, यानी कि पूजा ददलानी के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई वाली कंडीशन है। अगर डील को मान लेती हैं तो खुद जेल जाएंगी, अगर डील को नहीं मानती हैं तो आर्यन खान जेल जाएगा। ऐसे में मामला बेहद संगीन हो गया है। पूजा ददलानी खुद बुरी तरह से फंस गई हैं कि वो अब करें तो करें क्या, फैसला लें तो लें क्या और बोलें तो बोलें क्या।